दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, हमने अपलोड वीडियो पर क्लिक किया। अपलोड वीडियो पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से अपनी कोई भी एक वीडियो उठा लेता हूँ और मैं उसको यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने वीडियो कॉल की, मेरे सामने डेढ़ वीडियो आ गई। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके फोन मुख्तलिफ बटन बन गए हैं। पहला बटन सेटिंग का है, दूसरा बटन मीडिया का है, तीसरा ऑडियो का है, सबटाइटल है, टेक्स्ट है, एलिमेंट है, टेम्पलेट्स है और लास्ट में हेल्प का है। सबसे पहले हम सेटिंग के बटन को डिस्कस करेंगे। सेटिंग के बटन में हमें क्या बताया जा रहा है, सेटिंग बटन पर मैंने क्लिक किया, ऑलरेडी आपको ये हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, उसमें आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग और उसके नीचे ही साइज नज़र आ रहा है। अब इस प्रोजेक्ट सेटिंग के पैनल को हम डिस्कस करते हैं। इस प्रोजेक्ट सेटिंग के पैनल में क्या डिस्कस किया जा रहा है, सबसे पहले साइज है। साइज क्या है, सबसे पहले मैं वीडियो प्ले करता हूँ, वीडियो मेरे पास, ये वीडियो चल रही है और ये है मेरे पास मुख्तलिफ साइज दिए गए इन्होंने। आपने अपनी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करना है, अपनी अपनी वीडियो को यूट्यूब शॉर्ट बनाना है, टिकटॉक पर अपलोड करना है, इंस्टाग्राम स्टोरी है आपका, इंस्टाग्राम पोस्ट है या इंस्टाग्राम रील है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ मुझे यूट्यूब का जो एक्चुअल साइज है वो बना दे, यूट्यूब का एक्चुअल साइज कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसको कहता हूँ कि मेरी यूट्यूब शॉर्ट बना दे तो ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट की शक्ल में है, उसने वापस उसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आपने टिकटॉक बनाना है, उसको टिकटॉक में कन्वर्ट कर दिया। आप उसको बनाना चाह रहे हैं वीडियो का जो साइज एक्चुअल करना चाह रहे हो, यहाँ पर आपको दे देगा। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सेकंड्स के अंदर जस्ट एक क्लिक के ऊपर ही सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ दे दिया गया। इसके बाद नीचे बैकग्राउंड में कलर की ऑप्शन है, कलर की ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। हमें कोई भी कलर अपनी वीडियो के पीछे ऐड करना है बैकग्राउंड में, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं येलो कलर यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और वीडियो का साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब आप देखें, अगर आपने कोई कलर दिखाना चाह रहे हैं वीडियो की बैकग्राउंड में तो आप वो दिखा सकते हैं। इसकी मदद से आप इस वीडियो को जितना भी छोटा करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। कलर दिखाना चाहते हैं, पीछे कोई और इमेज दिखाना चाहते हैं, आप वो दिखा सकते हैं। अगर आप कलर नहीं दिखाना चाहते, इमेज के पैनल पर क्लिक करें, यहाँ आएँ और यहाँ से कोई अगर आप कोई भी इमेज अपलोड कर लें, ये देखें वो इमेज जो है आपके इस वीडियो के बैकग्राउंड में नज़र आ गई। दोस्तों, जो भी आप दिखाना चाह रहे हो यहाँ पर सेटिंग्स का पैनल था जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास मीडिया का पैनल आता है। मीडिया बटन पर हम क्लिक करते हैं। मीडिया बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कि अगर आपने कोई वीडियो अपलोड करनी है या कोई मीडिया फाइल आपके पास पड़ी है आपने अपलोड करनी है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं उस मीडिया फाइल को। फॉर एग्जाम्पल कैमरे से रिकॉर्ड करना है, ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, स्क्रीन रिकॉर्डर है आपके पास, स्क्रीन एंड कैमरा है, स्लाइड्स एंड कैमरा है आपके पास, स्लाइड्स बनी हुई हैं या आपने भी पहले से बनी हुई सिलेक्ट वीडियो करनी है। आपके पास टेक्स्ट टू स्पीच की ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है टेक्स्ट वो नज़र आए यहाँ पर तो टेक्स्ट टू स्पीच में जाएँ। आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उर्दू करना चाहते हैं, अरबी करना चाहते हैं, बंगाली करना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर गूगल इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से इसका रिव्यू ले सकते हैं। आज हम वीडियो एडिटिंग के लिए वेद सॉफ्टवेयर इस्तेमाल का इसको यहाँ पे ऐड टू प्रोजेक्ट कर दिया आपने। और आपने जहाँ से भी अपनी वीडियो को स्टार्ट करना है, जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि टेक्स्ट टू मैंने टेक्स्ट टू स्पीच में अपने टेक्स्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको जो है ऐड टू प्रोजेक्ट कर दूंगा, इसी टेक्स्ट को ऐड टू प्रोजेक्ट कर दिया। नीचे की तरफ आप देखेंगे मेरी ऑडियो ऐड हो गई है। अब इस ऑडियो को मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। एडिटिंग के लिए वेद सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का तरीका सीख रहे हैं। ये देखें मेरी ये साउंड जो है, जितनी देर की साउंड थी वो इसके ऊपर चलना शुरू हो गया। आज हम वीडियो एडिटिंग के लिए वेद सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का तरीका सीख रहे हैं। तो ये दोस्तों, इस तरीके से आप जो है इसके अंदर अपना टेक्स्ट टू स्पीच का साउंड ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ नीचे की तरफ आते हैं, हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ वीडियो स्टॉक मौजूद है और वीडियोस के ऊपर 100% है कि आपका कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर आप यहाँ से कोई भी वीडियो उठा दें, अपनी वीडियो में ऐड करते हैं तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। और उसी के नीचे आपके पास नज़र आएगा साउंड का स्टॉक। साउंड का स्टॉक जरा ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, शायद की बात है कि इनमें से कुछ साउंड ऐसे हों जिन पे कॉपीराइट आने का खतरा हो, लेकिन बार बार बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा कि चेक कर लीजिएगा कॉपीराइट आता तो अभी साउंड पर यूज़ कीजिएगा। बहुत से फ्री साउंड है यूट्यूब वगैरह के और डिफरेंट वेबसाइट पर, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।